हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म रामायण से बड़ा अपडेट आया है। तो क्या है वो अपडेट? तो अपडेट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और ऋतिक रोशन के डाई हार्ड फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऋतिक रोशन की फिल्मों की अपडेट आते रहती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने क्रिस 4 के बारे में वीडियो बनाया है, तो अगर आपको क्रिस 4 के बारे में जानना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, आपको बता दूं इस टाइम ऋतिक रोशन लंदन में है। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन अभी लंदन में घूम रहे हैं और उनकी नेक्स्ट फिल्म विक्रम वेदा आने वाली है। उसके बाद फाइटर फिल्म आएगी और उसके बाद रामायण फिल्म आएगी। बताते चले, रामायण फिल्म में ऋतिक रोशन रावण का रोल प्ले करेंगे, वहीं रणबीर कपूर श्री राम का रोल प्ले करेंगे। अरे मूवी वाले भैया, अपडेट क्या है उस बारे में बताइए। हाँ हाँ पांडू बता रहे हैं। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि फिल्म रावण का शूटिंग तब स्टार्ट होगा जब ऋतिक रोशन अपनी फिल्म फाइटर का शूटिंग ख़त्म कर लेंगे और रणबीर कपूर अपनी फिल्म एनिमल का शूटिंग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद रामायण फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होगा। बताते चले, फाइटर फिल्म का शूटिंग इसी साल अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होगा और एनिमल फिल्म का भी शूटिंग इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दूँ, एनिमल फिल्म रणबीर कपूर की फिल्म होने वाली है और एनिमल फिल्म 15 अगस्त 2023 को रिलीज होगी, जबकि फाइटर फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली है रश्मिका मंदाना। जी हाँ दोस्तों, एनिमल फिल्म में रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है। तो दोस्तों, अपडेट यही था कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के बाद और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के बाद रामायण फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आप सबको ये कैसा अपडेट लगा? और दोस्तों, आप सब कौन सा फिल्म के लिए एक्साइटेड हो? विक्रम वेदा, फाइटर, रामायण, वॉर 2, क्रिस 4? लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आप कौन सा फिल्म का वेट कर रहे हो। और ऐसे ही ऋतिक रोशन की फिल्मों की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल मूवी वाला को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।